भगवान शंकर और पार्वती के पुनर्मिलन पर मनाए जाने वाले हरियाली तीज को आज पूरे देश की महिलाओं ने बड़े धूमधाम से मनाया। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। राजधानी की महिलाओं ने भी काफी धूमधाम से हरियाली तीज को मनाया। वहीं पर हमने बात की हरितिमा ग्रुप की महिला अध्यक्ष स्मिता श्रीवास्तव से, जिन्होंने बताया कि हरियाली तीज का महत्व आखिर क्या है और किस तरह से लॉकडाउन में इस त्योहार इस पर्व को मना रही है लखनऊ की महिलाएं। देखिए विशेष रूप से आप सभी साथियों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो सावन का महीना चल रहा है और शंकर जी की पूजा घर घर में हो रही है। गणपति शंकर जी के सब लोग मना रहे हैं और शंकर भगवान जरा सा भी पूजा करो सेवा करो शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शंकर जी से बहुत सबसे यही प्रार्थना है कि सबके घर में आशीर्वाद दे, सबको सुख और शांति का आशीर्वाद दे सबके घर में। सभी यही बात है कि सावन का महीना चल रहा है, सावन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी सभी सखियों को। अब हम लोग की हरियाली तीज भी आ रही है, उसको भी हम लोग पूरा हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं। और सावन का सोमवार भी हम लोग व्रत रह रहे हैं, पूरी पूरे नियम से व्रत रह रहे हैं। भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, हर इंसान की मनोकामनाएं बहुत व्यक्त हैं। इसलिए हम सबको हम लोग के ऊपर शंकर जी की सदैव कृपा बनी रहे, ऐसा ही हमारी कामना है। और मिठाई घेवर खाएंगे, खुश रहेंगे। और इसी अवसर पर चलो हम लोग शंकर जी का भजन गाएं। चलिए भाभी जी का भजन। एक्चुअली हरितिमा क्लब की स्थापना जो हुई थी वो तो उसमें हम लोग पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हैं और हरितिमा ने भी ठीक वैसे ही लेडीज़ ने लॉकडाउन का ख्याल करते हुए अपने घर से ही उन्होंने सारा परफॉर्मेंस दिया। लोकगीत है, नृत्य है और उसके अलावा भी कुछ अच्छे अच्छे संदेश भी आए। और उसमें वही चीज़ मैं कहूँगी कि भारतीय संस्कृति का पूरा ध्यान रखा गया है और इसमें एक अलग से जैसे पार्क हमारा विशेष आकर्षण रहा है। तो इस दिन महिलाओं ने एक दो महिलाओं ने अपनी डिस्टेंसिंग मेंटेन करके थोड़ा बहुत झूला भी झूल के इस तीज के महत्व को और ज़्यादा आकर्षक बना दिया है।
क्या संदेश देना चाहेंगी हरितिमा ग्रुप की तरफ से महिलाओं को? मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि अपने सारे कार्य तो अपने इर्द गिर्द होते रहते हैं, हम बहुत सारी आकांक्षाओं को, बहुत सारी इच्छाओं को जीते रहते हैं, लेकिन जब भी हमारे देश में ये ख़ास पर्व, ये ख़ास वक्त आता है तो उसको भी हमें उसी तरह से महत्व देना चाहिए और पूरी तरह से भारतीय संस्कृति का ध्यान रखते हुए जो व्रत को निभाने की प्रक्रिया है, जो विधि है, जो सोच है, उसको साथ साथ लेके और बहुत धूमधाम से उसको मनाना चाहिए। ये सुहाग का पर्व है और हमें उसी तरह से सभी चीज़ों का को फॉलो करते हुए इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे से सम्मान देना चाहिए।